आज हम चर्चा करेंगे भारत के किसानी के बारे में, जो भारत का अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है, भारत का रीढ़ माना जाता है आज के किसानी के बारे में। अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है किसानी। आज भारत की 85% आबादी एग्रीकल्चर लैंड पे आधारित है, खेती पे ही आधारित हैं। और यहाँ का किसान का आए दिन शोषण हो रहा है, किसान आए दिन अपने किसानी छोड़ के मुंह मोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। तो अपने देश की शहर तो छोड़ दीजिए, विदेश में जाके एग्रीकल्चर और मजदूरी करने पर लाचार हैं। क्या मजबूरी है हमारी सिस्टम को, हमारे सरकार को, जो कि इनको किसानी से जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो वो दिन रात सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी इस काम से छुटकारा पाले। तो इसका जिम्मेदार हमारी भारत का जो सिस्टम है, हम इसको भारत सरकार को सिर्फ नहीं सौंप सकते, हम युवाओं का भी दायित्व बनता है कि इसको कुछ अच्छा करने के लिए को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राय साझा करना हर नागरिक का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम आज का एग्रीकल्चर लैंड में जो शुद्धिकरण है, वो चंद अनुदान की जरूरत नहीं है। आज भारत की वो उपजाऊ मिट्टी है कि इसमें थोड़ा भी यदि शुद्धिकरण कर दिया जाए तो बहुत अच्छा किसान परफॉर्म कर सकते हैं। भारत के किसान बहुत ही संघर्षशील और मेहनती हैं। और देखिए, मैं इसका लाइव नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मैं नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा से बोल रहा हूँ, और यहाँ बहुत इस सावन का महीना में कड़ाके की धूप पड़ रहा है। सुखाड़, मेरा प्रखंड सुखाड़ घोषित भी हो चुका है। मैं किराए ब्लॉक से हूँ, फिर से कह रहा हूँ, सुखाड़ घोषित हो चुका है। यहाँ पर सुखाड़ घोषित होने के बावजूद भी हमारे एक किसान भाई एक भी इंच जमीन बिना रुपाई किए नहीं छोड़े हैं। तो ये इनका मेहनत का नतीजा है। ये प्रकृति पे भरोसा नहीं करते हैं, प्रकृति के भरोसे नहीं बैठते हैं। रात दिन पंप ट्यूबवेल भीलर से पानी कर करके अपने खेत को बंजर से हरे भरे बना के रखते हैं। कैमरामैन, एक बार आप अपना कैमरा घुमाइएगा अपना खेती की ओर, देखिए किस तरीका से यहाँ पे खेती हरे भरे दिख रहे हैं। ये प्रकृति का कोई उद्धार नहीं है। हमारे बिहार के किसान में वो जुनून है कि बंजर को भी हरियाली ला देते हैं, अब फिर भी यहाँ के किसान किसानी छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार हमारा कृषि का जो सिस्टम है, कृषि जिनके नेतृत्व में है, उनको से मैं यही गुजारिश करूँगा कि किसान को कुछ नहीं दें, सिर्फ किसान को भारत सरकार बिजली माफ़ कर दे तो ही किसान उतना ही से खुश हो जाएगा। किसान पर जो छोटे छोटे मजदूर वर्ग के जो किसान के पास जो लोन है, जो 5 लाख से नीचे का जो लोन है, जो एग्रीकल्चर में सहयोग के लिए जो लोन लिए हैं, उसको भारत सरकार माफ़ कर दे, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। और इतना ही करने की जरूरत है। आज हम फिर से हमारा किसान यहाँ की धरती से सोना उपजाना चालू कर देंगे। और अमेरिका जैसे यूएस का, अमेरिका का किसान आज उनका खुद का फ्लैट, खुद का मर्सिडीज कार अमेरिका के किसान के पास हो सकते हैं, और यहाँ के किसान के पास एक बढ़िया बाइक भी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार हमारी सिस्टम है। और जो जब सरकार अरबपतियों को अरब अरब रुपया माफ़ कर सकता है, सब्सिडी दे सकता है, हमारे किसान को चंद बिजली का बिल भी माफ़ नहीं कर सकता, चंद उनको जो कर्ज है, उस चंद कर्ज के चलते उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, बैंकर और प्रशासन द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है और वह आत्महत्या करते हैं। तो मैं सरकार से फिर भी निवेदन करूँगा कि ऐसे किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाए,
और बिजली एग्रीकल्चर लैंड का बिजली माफ कर दिया जाए। हमारे किसान बिहार भारत का किसान में वो जुनून है कि धरती को चीर के सोना उपजाएगा और वर्ल्ड में फिर से भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा। और ये वास्तविक में जो अर्थव्यवस्था हमारे भारत के किसान पर टिका हुआ है फिर से सोने की चिड़िया बना देगी। वो किसान का अंदर, हमारे किसान भाइयों के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है। तो मैं एक मिनट के लिए आपसे, वीडियो पर बने रहिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो किसान भाई या तो जो किसान का बेटा इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत कीमती है और हम अपने हौसला को बुलंदी के साथ फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। तो आपसे निवेदन है कि प्रत्येक युवा अपने अपने फेसबुक और ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।